हेलो, क्या हाल चाल है? होप सब बढ़िया। तो गाइस, आ चुका हूँ न्यू एक फ्रेश गेम प्ले के साथ। फिलहाल यहाँ पे कितने बंदा आ रहा है वो नोटिस करना, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और मेरी लैंडिंग भी यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम यहाँ पे गन नहीं मिलता। तो इस बार मैं देखता हूँ, यहाँ पे फिर भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है, तो चलो सामने देखते हैं। और यहाँ पर मेरे को मिलता है वो भी स्टॉल के, तो फटाफट इसको उठा लेते हैं, क्योंकि मेरे को हेडफोन पर एक साउंड आ रहा था और एक बंदा तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा था। शायद उसको गन मिल चुका था। तो इसको मैंने यहाँ पे नॉक करा, फटाफट रिलोड कर लेते और इसको फिनिश करते, क्योंकि इसके पास भी शॉट गन था और एमो मेरे को चाहिए, क्योंकि एस्टोल की ज़्यादा एमो नहीं था, 5 ही एमो था। तो फटाफट इसको मैंने यहाँ पे लूट वूट कर लिया। तो बंदे के पास यहाँ पे उजी था, तो मैंने उसको उठा लिया। तो सामने मेरे को और एक बंदा दिखता है जो वहाँ पे खड़ा था, और मैंने सोचा कि एस्टोल की रेंज इतना नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई उजी से इसको नॉक करते, और फाइनली इसको भी मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया था। लेकिन बंदा एग्जैक्ट कहाँ पे गिरा था, नॉक पड़ा, वो मेरे को नहीं पता। सो दैट्स व्हाई मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, उजी की जो एमओ भी ख़त्म हो जाता है। और तभी उसकी और एक टीममेट की फुटस्टेप की साउंड मेरे को आ रहा था हेडफोन पे। तो मैंने यहाँ पे मेरे को मिलता है कुछ एमओ, तो उठा लेता हूँ, गन में रिलोड कर लेते हैं सबसे पहले तो। और उसके बाद अगर वो बंदा भी है तो मेरे को देखना पड़ेगा, शायद वो बंदा ये वाली, हाँ इसके ऊपर ही होगा शायद। हाँ, सामने से फोटो स्टेप आ रहा है, इसके ऊपर है। मैं यहाँ पे कंफर्म हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था, लेकिन एंड देन चलो यहाँ पे कंफर्म हूँ मैं, बंदा ऊपर ही है। बाकी इसकी और एक टीममेट था जो सामने शायद था, यहाँ पे नहीं था, तो इसको पेटी बना देते इसका। तो इसको लूट करते हैं, और इसको लूट करने के बाद सोचा थोड़ा बहुत लूट वूट कर लेते हैं। और इस बंदे ने भाई काफ़ी अच्छे खासे माल पानी उठाया था यहाँ से, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर लूट वूट कर लेते हैं। तब इसकी टीममेट को दिख जाता है और इसका पेटी बनेगा। वो क्या, इसकी जो चौथा बंदा है वो यहाँ पे नहीं आया था शायद। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत लूट वूट कर लेते हैं। तभी मेरे को एक फोटो स्टेप आ रहा था, और इसीलिए मैं तुम्हें बताया था कितने बंदा आ रहा है। देखो, 3 बंदा था, बट यहाँ पे और एक बंदा था, बंदा नहीं था, ये एक बहुत निकलता है। तो जो भी हो, इसका भी पेटी यहाँ पे बना देते। अब थोड़ा बहुत लूट वूट कर ले, यहाँ से निकलते, और आगे हम यहाँ से हम निकल के जाएंगे भाई ओल्ड बिछन पे। सीधा यहाँ पे मैंने बागे पकड़ा, और यहाँ से मैं निकल के आ जाता हूँ। हल्का से मैंने यहाँ पे स्लो करता हूँ, ताकि बंदे अगर आसपास हैं तो फुट स्टेप की आवाज़ आएगा, और ऐसे आता भी है। तो दैट्स पर मैंने यहाँ पे रुक जाता हूँ। अब सबसे पहले देखो बंदा कहाँ था, मुझे नहीं पता था। सो दैट्स पर मेरे को सबसे ऊपर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर बंदा भाई काफ़ी ज़्यादा डर रहा था मेरे को, मतलब ऊपर नहीं आ रहा था। 2-3 बंदे की फ़ोटो स्टेप आपको देखने को मिलता है मिनी मैप पर, लेकिन बंदा ऊपर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैं बोला भाई डराओ मत, आ जाओ, आना है तो आ जाओ, मारना है तो मार के जाओ, बट डराओ मत। लेकिन नहीं, ये लोग तो डराएंगे, मारेंगे नहीं, आएंगे भी नहीं। तो मैंने सोचा कि यहाँ से मैं निकलते और ये वाली जगह पे आते। और यहाँ पे आती ना, मेरी फ़ोन हल्का सा, मतलब क्या हो गया था, कभी कभी ना फ़ोन काम नहीं करता, यहाँ पर भी देख सकते हो कुछ ऐसा होता है, मतलब जायरोस्कोप ना सही से काम नहीं कर रहा था ऐसे टाइम पे। तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा शांत हो जा, मतलब काफ़ी था, शायद गर्म हो चुका था। ऐसा भी होता है कभी कभी, अगर फ़ोन गर्म हो जाता है ना तो जायरोस्कोप काम नहीं करता। ये बंदा ऊपर आता है यहाँ पे, नीचे इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था, तो एक बुलेट हाँ शायद इसको यहाँ पर छुआ था। सो दैट्स व्हाई इस बंदे की यहाँ पर नॉक हो जाता है। नीचे आते एक बंदा और दिखता है मेरे को, तो इसको भी मैंने नॉक कर दिया। तो फटाफट इसको फिनिश कर देते, जोन भी स्टार्ट हो चुका था। सामने जो बंदा था ना वो भी यहाँ पे नॉक पड़ा था, तो मैंने सोचा उसको पेलते हैं। एंड तभी मेरे को ना यहाँ पे और एक बंदे की फुटस्टेप आ रहा था, यहाँ पे और एक जिंदा बंदा था। तो मैंने सोचा कि वो बंदा, उसको रिवाइव देने बैठेंगे, देन उसको बजाएंगे। सबसे पहले मैं अपने हेल्थ ठीक कर लेता हूँ, सो दैट्स पर मैंने यहाँ पे एक हेल्थ किट लगा लेता हूँ। सामने मेरे को बंदा दिख जाता है यहाँ पे, बट वो जिंदा बंदा मेरे को दिखता नहीं है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा रुका, इस बंदे को मारा नहीं, क्योंकि इसको तड़पने दो, ये जितना तड़पेगा इसकी टीममेट उतना फास्ट आएगा। बट वो बंदा नहीं आता है, और इसका भी पेटी बन जाता है यहाँ पे। मैं थोड़ा बहुत फिर भी थोड़ा बहुत हेल्थ भी मार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जोन भी स्टार्ट हो चुका था, जोन के अंदर ही था, हेल्थ जा रहा था। मैं आसपास देखा, नीचे आया, वो बंदे की फोटो स्टेप दिखता है बट नहीं मिलता। फाइनली जब मैं इस बंदे को लूटने के लिए आता हूँ, तभी मेरे को सामने दिखता है बंदा। एंड जब मैं यहाँ पे जंप किया ना, उस बंदे की भी पेटी बन चुका है, क्योंकि उस बंदे के पास हेल्थ नहीं था और जोन पे वो बंदा भी काटे जा रहा था। फिलहाल फाइनली लूट वूट किया, और भाई चलो बगी लेके यहाँ से निकलते। और सामने गाइस एक स्क्वाड पूरे ओपन पे मैदान पे मेरे साथ, देखो यहाँ पे क्या होता है।
तो फिलहाल मैं बगे उठा के आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। तभी मेरे को सामने से, जब मैं दूर से आ रहा था ना, तभी मेरे को कुछ गन की साउंड आता है, यहाँ पे देखता है गाड़ी, और भाई चारों के चार बंदे यहाँ पे था जो यहाँ से निकल के जा रहा था। तो मैं स्प्रे देने लगता हूँ, गाड़ी ऑलमोस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज था पहले से, और थोड़ा सा और भी डैमेज हो जाता है, धुआं वुआ निकल रहा था, और चार बंदा यहाँ पे चार साइड पे बिखरा जाता है। अब यहाँ पे मैं हल्का सा कंफ्यूज हो गया था कि मैं किसको क्या दूँ, तो मैं इसको लपेटने की कोशिश करता हूँ, बट ये बंदा इतना ज़्यादा उछलते उछलते जा रहा था, और यहाँ पे मेरे पास एक्सटर्नल कोई मैगजीन भी नहीं था, सिर्फ कोई चीज़ मिले थे भाई, तो नहीं हो पा रहा था। मैं हल्का हल्का मतलब सबको यहाँ पर डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, और फाइनली इसको मैं यहाँ पर नॉक कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। और एक बंदा राइट की साइड पे आ रहा था घरों की साइड, तो इसको भी मैंने यहाँ पे इस पर देकर नॉक कर देता हूँ। ओके, तो फाइनली दो साइड पे दो बंदा नॉक है, और दोनों के पास जो है एक एक जिंदा बंदा है। तो मैंने सोचा ये जो स्मोक के अंदर बंदा है ना, इसको रहने देते हैं, वो जो गाड़ी के पास जो बंदा है ना उसको पहले ठोक के आते हैं, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी एक को नॉक है और उसको रिवाइव देंगे, ये भी इसको रिवाइव देने में बिजी होगा। और मैं भाई यहाँ पे कहती हूँ ओपन पे आ रहा था, बिल्कुल डर नहीं, देखो कितना तेज़ी से भाग रहा है इस खतरनाक इंसान को, किसी का डर नहीं, इसको मरने की कोई मतलब खौफ नहीं, बट यहाँ पे मेरी पेटी मरेगा। उस बंदे को मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ, और इसी टाइम पे मेरी गन भी रिलोड हो गया था, और भाई मेरा भी यहाँ पे पेटी बन जाता है। तो शायद अगर इस बंदे को मार सकता था मैं, अगर कोई पेट बेट होता तो, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो फाइनल एक न्यू गेम प्लस स्टार्ट करते हैं, नीचे मेरे को एक के मिलते, सामने एक बंदा है, मेरी टीममेट बताता है लोकेशन जो होता है, तो उसको लूट जाते हैं। अब इसको मैंने यहाँ पे नॉक किया, फौरन गया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता था उसकी टीममेट होगा, तभी मेरे को रिश्ता आता है, और भाई फाइनली दोनों की पीढ़ी यहाँ पे बन जाता है। थोड़ा बहुत लूट वूट कर लेते हैं, और गाइस यहाँ पे आसपास बंदे मेरे को दिखता नहीं है, तो गाड़ी पकड़ के हम लोग आ जाते हैं। कुछ बॉट मारा था रास्ते पे हम लोग, वो काट दिया। फिलहाल यहाँ पे एक टॉप पड़ा था और बिल्कुल ही सुनसान था, मतलब देखो कोई भी फोटो स्टेप नहीं है, यहाँ पे दो बंदे थे, और इस लोगों की जो कैम की लेवल है ना वो बस तुम देखना यहाँ पे। मतलब वो बंदा डर, मतलब डोर ओपन किया उसके अंदर घुस के बैठा है, कौन सोचेगा कि भाई उसके अंदर बंदा है। लेकिन फाइनली यहाँ पे मैं संभाल लेता हूँ, अपने टीममेट को रिवाइव वगैरह कर देता हूँ, बाहर आता हूँ मैं, तभी मेरे को पीछे से एक M24 की शॉट आता है। मैं यहाँ पे हल्का सा रुका, उस बंदे को एग्जैक्ट लोकेशन पता करने की कोशिश कर, तो मेरी टीममेट बताते हैं गाड़ी से चलते और देख के आते। सताइस पे हम दोनों गाड़ी में बैठा था, और बंदा देखो यहाँ पे ओपन पे घास के अंदर लेटे थे भाई, दिख ही नहीं पाया, और पीछे से वो लोग इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया था ना मेरी गाड़ी की, तो देखो यहाँ पे हाल। बंदा घास के अंदर था, यहाँ पे मैं उसको देख लिया था, मतलब हल्का सा ऐसे मुझे लग रहा था कि बंदा यहीं पे होगा, सो दैट्स व्हाई इसका पीटी बना देता हूँ। बट इस बंदे के पास ना अच्छी खासी लूट भी था यहाँ पे, मतलब फ्लेयर ड्रॉप वॉप था इसके पास, फ्लेयर गन था, तो हमने फ्लेयर गन चलाई, ड्रॉप आया, और यहाँ पे मेरी टीममेट ने भाई AWM उठा ली, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो गया था भाई, मतलब कुछ टाइम के लिए। फिर मैं यहाँ पे निकल रहा था, उसको बोला कि भाई पूरा ड्रॉप, मतलब उसके पास एक था और फिर भी वो उठा लिया। फिलहाल मैं सोचा कि यहाँ से निकलते, वो बोल रहा था कि भाई ले जा मेरे को नहीं चाहिए। अभी सामने मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, और यहाँ पे देखो एक बंदा घास लगा के बैठा था AWM लेके, तो इसको मैंने यहाँ पे नॉक किया। हल्का सा गुस्सा हो चुका था मैं, और इस बंदे को पूछ चीख रहा था ऐसे, तेरी टीममेट कहाँ, बता उसको, बुला बुला उसको मारेंगे। लेकिन भाई अगर उसकी टीममेट आता है ना तो मेरा पेट बनेगा शायद। तो इसको मैं यहाँ पे स्प्रे दे रहा था, और पैन पे गया लगा जितना भी, बट उसकी टीममेट तभी आ जाता है, और देखो फाइनली इन दोनों को बहुत ही गुस्से से मारा था इस बंदे को मैं, सिर्फ और सिर्फ AWM के लिए। बट AWM मैं इतना चलाता नहीं हूँ, तुम लोगों को भी पता है, पीछे एक बंदा आ जाता है, मैं सोचा कि पत्थर के पीछे मैं आ जाऊँगा, लेकिन उस बंदे के पास था DP, और तुमको पता है भाई DP बहुत ही खतरनाक है, अगर एक बार कनेक्ट हो गया ना तो उसकी एम एशेस से छूट पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। फिलहाल फाइनली यहाँ पे मेरी टीममेट आता है, मेरे को रिवाइव कर दिया था, और एक बंदा था, लास्ट बंदा था ये बंदा, और ये बंदा फिर से मेरे को नॉक कर देता है। मैं बोला कि उसको पहले ठोक, हमको रिवाइव नहीं चाहिए, हमको चिकन डिनर चाहिए। सो फाइनली ये मेरी जो टीममेट था वो उस बंदे को मार देता है, और गाइस हमको चिकन डिनर मिल जाता है। सो दा यही था वीडियो, आई होप आप लोगों को बढ़िया लगा गेम प्ले, तो अगर बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को तुमने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, साइड पे जो बेल के आइकन है उस पर क्लिक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय एंड टेक केयर।